नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ के वेंकटप्पा। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में अपने डीपी राय चौधरी को पढ़ाया था, और डीपी राय चौधरी से जुड़ी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की है। तो कृपया सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे आपको जितनी भी जानकारी है आर्ट से जुड़ी और आपके एग्जाम से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। इसलिए आपको अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आर्ट ज्ञान कला करके टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी आपकी जुड़ी जानकारी आर्ट के पेपर से। अब जो दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताने वाली हूँ के वेंकटप्पा के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात ये बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे देखिए, मेरा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है और उसमें मैं आर्टिस्ट कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों को आर्टिस्ट पढ़ने हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करने हैं, तो उनके लिए मेरा एक नया बैच अभी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है, मैं शुरू करने वाली हूँ। तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे कॉन्टैक्ट करके। 9599670200 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करके आर्टिस्ट मैं पढ़ाऊंगी, और जो अब आपके करंट आर्टिस्ट हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगी, और जितनी भी प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी। तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं के वेंकटप्पा के बैंके टप्पा। ये देखिए, अब देखिए इसमें मैं क्या पढ़ाने वाली हूं आज आपको। इनका जन्म देखिए 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1886 ईस्वी में, और स्थान था मैसूर में हुआ था। मैसूर इनकी प्रसिद्धि किस लिए है, मतलब ये क्या हैं, चित्रकार हैं या फिर एक मूर्तिकार हैं? तो देखिए इनकी प्रसिद्धि, इनकी जो प्रसिद्धि है वो एक चित्रकार और एक वीणा वादक के रूप में है। चित्रकार और एक वीणा वादक भी हैं, साथ साथ चित्रकार के साथ साथ वीणा वादक भी हैं। इनको क्या कहा जाता है, बंगाल का मैसूर कहा जाता है। बंगाल का मैसूर इनको कहा जाता है। किसको, के वेंकटप्पा को। और अब आगे देखेंगे इसमें, इनके जो पूर्वज थे वो मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार थे। तो पूर्वज कौन थे इनके, पूर्वज मैसूर राज्य जहां इनका जन्म हुआ था, मैसूर के दरबारी चित्रकार। और वहीं से इन्होंने चित्रकारी सीखी, या वहीं से इनको चित्रकारी मिली। शिक्षा इनकी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है, दिखाई दे रहा है। हाँ, शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है इनकी शिक्षा। और किसके सानिध्य में हुई है, तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट मतलब सीधा सीधा आप देखेंगे सानिध्य किसका प्राप्त हुआ है, अवनींद्रनाथ का, क्योंकि हम बंगाल शैली पढ़ रहे हैं। अवनींद्र नाथ, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को भूला नहीं जा सकता है बंगाली बंगाली शैली पढ़ते हुए। देखिए इन्होंने अजंता के चित्रों की, अजंता के जो भित्ति चित्र थे उनकी अनुकृतियां भी तैयार की थी। अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की थी, के वेंकटप्पा ने, ठीक है। और कब की थी, किसके दल में की थी, तो इन्होंने जो अजंता भित्ति चित्रों की अनुकृतियां हैं वो लेडी हरिंगम का जो दल था उनके दल में शामिल होकर उनकी कलाकृतियां अनुकृतियां जो है वो तैयार की थी के वेंकटप्पा ने। अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां जो है वो लेडी हरिंगम के दल में शामिल होकर तैयार की थी। कब की थी, 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य में। ऊपर लिखा देती हूँ कब, 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य में, ठीक है।
अब देखिएगा आगे, शैली प्रभावित थी, इनकी शैली जो प्रभावित थी, इनके चित्रों की शैली, के वेंकटप्पा की जो शैली थी वो किससे प्रभावित थी? तो के वेंकटप्पा की जो शैली थी वो मुगल और दक्षिणी शैली, मुगल और वो दक्षिणी शैली से प्रभावित रही है, काफी प्रभावित रही है बल्कि, यही कहा जाएगा। और आगे देखिए, इनके दृश्य चित्र थे ऊटी के दृश्य चित्र, इन्होंने कुछ दृश्य चित्र बनाए थे, उनमें है एक ऊटी के दृश्य चित्र, किसने बनाए थे? के वेंकटप्पा ने ऊटी के दृश्य चित्र बनाए थे 1926 ईस्वी में, मैं यहीं पर लिख रही हूँ 1926 ईस्वी में ऊटी के दृश्य चित्रों का निर्माण किया था। अब कोडाई बनाल के दृश्य भी इन्होंने बनाए थे, कोडाई बनाल के दृश्य चित्र भी इन्होंने तैयार किए थे, और ये कब तैयार किए थे? ये किए थे इन्होंने 1934 ईस्वी में, इसके बाद, ठीक, 1934 ईस्वी में इन्होंने तैयार किए थे। इनका माध्यम क्या था? तो अगर हम माध्यम की बात करें बंगाल शैली के आर्टिस्ट की, जल रंग वॉश, तो देखा जाए, मैं आपको एक चीज बता देती हूं, जहां भी अगर जिक्र आता है बंगाल शैली के चित्रकारों का तो वहां सिर्फ हम एक ही बात कहेंगे उनके माध्यम के बारे में, तो उनका माध्यम या तो जल रंग वॉश था या फिर टेम्परा वॉश था, दो चीजें आप याद रखेंगे, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बंगाल शैली में स्पेशली जो आर्टिस्ट का माध्यम था जल रंग वॉश या फिर टेम्परा वॉश, तो ये चीज आप याद रखेंगे, भूलने वाली बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इन्होंने वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की थी, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की थी। अब कब की थी इन्होंने ये स्थापना? 1974 ईस्वी में, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु जो है 1965 ईस्वी में हो गई थी। अब देखिए, बचे हुए जो इनके चित्र हैं वो मैं हमें पहले की तरह, जैसे मैं दे रही हूँ आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाएं बच्चे जिनको इनके चित्र या फिर और भी जानकारी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी मोटिवेशनल का मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ी सी ज़रूरत है, और कुछ पिछले कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं मैं देख रही हूँ, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।